हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज की एनालिसिस डेट आप देखोगे तो 26 जनवरी 2023 है। आज मार्केट में छुट्टी है, तो अभी मैं आपको चार इंट्राडे स्टॉक बताऊंगा जो आप कल कल यानी कि 27 जनवरी 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। उसमें दो बाइंग साइड के ट्रेड रहेंगे और दो सेलिंग साइड के ट्रेड रहेंगे, तो अपने पहले देख लेते हैं। उससे पहले अगर किसी ने कल का वीडियो गाइस देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। अपने सुपर ट्रेंड के ऊपर एक स्ट्रेटजी शेयर किया है, बहुत अच्छे से काम करती है। आपको अगर कोई भी टाइम फ्रेम हो, इंट्राडे हो, डेली हो, वीकली, सारे टाइम फ्रेम में काम करती है, तो आपको जाके देखना है। अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको हेल्पफुल होगा, सुपर ट्रेंड के बारे में वीडियो डाला है। उसके अलावा जो पहली बार चैनल पे आए वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रेड मिलते रहेंगे। और अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने लाइव मार्केट में भी यहाँ पे ट्रेड देते रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अपने मंडे को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक दिया था एक ट्रेड, उसने ट्यूसडे को ही टारगेट अचीव कर दिया था। उसके बाद इंडिगो भी दिया था, 2086 पे दिया था वेनेसडे को, तो उसने भी देखोगे तो वेनेसडे को ही मार्केट गिरा था, लेकिन स्टॉक 2105 2110 भी गया था। तो इसी तरह आपको लाइव मार्केट में भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर वहां से ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे वेल्थ एक्सप्रेस 21 लिख के सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आप कल 27 जनवरी को पोजीशन बना के रख सकते हो। उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा TWL। TWL को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस, यहाँ पे स्टॉक का नाम है TWL। तो स्टॉक को क्यों बाय करना है, तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट है। तो पहले देख लेते हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। अपने नॉर्मली चार या पांच सेटअप यूज करते हैं, अगर उसमें से कोई ट्रेड बनता है तो आपको मैं देता हूँ। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट सेटअप क्या है, यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यानी कि ये स्टॉक का क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो सप्लाई जोन क्या हो जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे हुआ, स्टॉक नीचे आया डिमांड जोन के आसपास, वहां पे सपोर्ट लेके रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी चला गया, यानी कि स्टॉक का स्विंग ट्रेड कंफर्म हो गया। स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, अगर स्टॉक को समझो कि नीचे की साइड ये तो डिमांड जोन रहने वाला ही है, लेकिन 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, अगर स्टॉक में बारीक गिरावट आती है तो डिमांड जोन के साथ साथ उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अभी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट, यानी कि ये क्या 2 दिन में ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले सकती है। तो आपको क्या करना है, इनकेस अगर स्टॉक में गिरावट आती है नीचे की साइड तो मिस नहीं करना, और वहां से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड में बताया, जैसे कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक में अपने रिवर्सल पॉइंट बताया था। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है कि ये इसको आप रिवर्सल पॉइंट बोलते हो, या ये जो आपको दिख रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे बोलते हो। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है और डिमांड जोन में भी आ रहा है, तो ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। वहां से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ये क्या 2 दिन में स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी TWL को आपको CMP 220 है, तो आपको 211 पे बाय करना है। उसका ये मतलब नहीं कि आपको कल ही 211 आ जाए तभी बाय करना है, अगर फ्राइडे को नहीं आता मंडे को आता है, तो ये लेवल आपको याद रखना है, 211 पे बाय करना है। 207 का स्टॉप लॉस लगा के 225 से 230 के लेवल स्टॉक 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको कल अगर ये लेवल पे मिलता है तो आप इसमें बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है नेलकास्ट। नेलकास्ट को आपको बाय करना है, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है नेलकास्ट। बाय एंड डिप विथ ADX है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। बाय एंड डिप विथ ADX क्या होता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। मैं इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि बाय एंड डिप विथ ADX क्या होता है, सेल ऑन राइज विथ ADX क्या होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ADX और विलियम्स आर अपने यूज करते हैं, जब भी ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन लाइन ऊपर है, यानी कि अप ट्रेंड में स्टॉक है, और वैल्यू ADX की 25 के ऊपर है और विलियम सर की वैल्यू -80 आती है, तो ये बाय एंड डिप होता है। अगर सेल एंड राइज में क्या होता है, ये जो ADX होता है वो सेलिंग साइड पे होता है और विलियम सर की वैल्यू कैसी होती है, यहाँ से ऊपर जाके -20 के आसपास आती है, तो वो सेल एंड राइज सेटअप होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टॉक का क्या हो सकता है, लास्ट स्विंग हो सकता है। प्रीवियस में भी देखोगे तो इसकी वैल्यू -80 यहाँ पे आई थी, ये जो
दो तीन कैंडल है वो आप देख सकते हो, वहां से स्टॉक ने क्या किया, रिवर्स मार के ऊपर चला गया। तो यहाँ से भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन अपने को कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा छोटे सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया और डोजी कैंडल बनाई है वो भी डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है, अगर स्टॉक में ऊपर की साइड आएगी तो अपना रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगा, स्विंग ट्रेड का कंफर्मेशन मिल जाएगा और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको अभी बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग, यानी कि ये जो डोजी कैंडल बने उसके हाई के ऊपर अगर पहले जाएगा, ध्यान से सुनना गाइस, अगर पहले जाएगा तभी बाय करेंगे, अगर उसके लो के नीचे पहले ट्रेड करना चालू कर देता है तो वो अपना इनवेलिड सेटअप हो जाएगा। तो नेलकास का सीएमपी कितना है, 114.25 है, तो आपको 118 के ऊपर बाय करना है, 113 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में 125 से 130 का लेवल 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो गाइज आपको वो ध्यान में रखना है कि इनवैलिड सेटअप किसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे देखो और क्लोजिंग प्राइस नजदीक है, अगर फ्राइडे को समझो स्टॉक 113 के नीचे पहले ट्रेड करता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाता है। वैलिड सेटअप के लिए स्टॉक को पहले बाइंग लेवल ऊपर की साइड क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि बाय एंड डिप विथ एडीएक्स क्या होता है, सेल ऑन राइज विथ एडीएक्स क्या होता है। इसका मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था, निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी ने संडे का वीडियो नहीं देखा, जो अपने स्विंग ट्रेड का वीडियो आता है वो जाके देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये सेटअप कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू तब भी 25 के ऊपर थी लेकिन रेड लाइन ऊपर थी यानी कि डाउन साइड में थी, और विलियम सर की वैल्यू देखो यहाँ पे -20 आई थी, यहाँ पे भी -20 आई, तो ये तो आई थी, लेकिन अपने जब वीडियो बनाया तब यहाँ पे उसकी वैल्यू थी, तब मैंने बोला था कि निफ्टी मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बेचना है। तो निफ्टी देखो ऊपर खोली लेकिन ऊपर जाके फिर से नीचे की साइड गिरावट आई, और अपने जो संडे के स्विंग ट्रेड में निफ्टी को बोला था कि 18,100 पे आपको बेचनी है, तो आप देखोगे तो मंडे को जब मार्केट खुला तो निफ्टी कहाँ पे खुली थी, 18,118 के आसपास खुली थी, उसके बाद 18,200 भी गई थी, लेकिन अपना क्या था स्टॉप लॉस लेवल था 18,200 के ऊपर क्लोज दे तभी स्टॉप लॉस काउंट करेंगे, और उसके बाद निफ्टी में बारीक बारीक नीचे की साइड गिरावट आई और अपना जो 17,800 का टारगेट था वो भी अचीव हो गया, सॉरी 17,900 का टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। तो ये स्ट्रेटेजी इस सेटअप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सेटअप कैसे काम करता है। तो अभी अपने चलेंगे, मैंने आपको दो बाइंग साइड के स्टॉक बताए, अभी मैं आपको दो सेलिंग साइड के स्टॉक बताऊंगा, जिसमें तीसरा स्टॉक का नाम रहेगा दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट को आपको क्या करना है, सेल करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 2 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। सेल करने का रीजन क्या है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट। तो आपने देखा होगा अप ट्रेंड में क्या होता है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट होता है, ऐसा इसमें उल्टा हो जाता है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट, यानी कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो जैसे ही उसका ये सपोर्ट रेंज कितनी थी आप देखोगे तो नीचे 18,060 से 18,080 की थी, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये रिजेक्शन का काम करेगा, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा जितना भी, तो यहाँ से उसको रिवर्सल मार के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है, उससे क्या होगा अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा और रिस्क अपना लिमिटेड हो जाएगा। तो अभी दीपक नाइट्रेट का सीएमपी कितना है, 18,040 है, तो अभी आपको बेचना नहीं है, स्टॉक को ऊपर जाने देना है, 18,060 पे बेचना है, 18,080 का स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी 1880 का, 1860 पे बेचना है, 1880 का स्टॉप लॉस लगा के, नीचे की साइड स्टॉक में गिरावट आ सकती है, 1820 और 1800 का लेवल नीचे की साइड स्टॉक दिखा सकता है 1 से 7 दिन में। तो अपना सेल ऑन राइज वाला सेटअप हो गया, जो आपको बेचना है लेकिन सेल ऑन राइज करना है, स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसको आप सेल कर सकते हो, स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को आपको बेचना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 2 घंटे के कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व, तो इसको क्यों बेचना है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन विल रिजेक्ट द प्राइस, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, सपोर्ट उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन हो गया तो ऊपर जाके अभी ये क्या करेगा, पहले जो सपोर्ट रेंज थी वो क्या करेगा, अभी रिजेक्शन का काम करेगा, जितनी बार स्टॉक यहाँ पे आएगा तो वहां से रिवर्स मार के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन नीचे के डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पे भी स्टॉक ने क्या किया, रिजेक्शन लिया,
तो अभी आपको इस स्टॉक में क्या हो सकता है, ये क्या 2 दिन में, तो स्टॉक में जैसे ही स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो उसको यहाँ पे रिजेक्शन लड़ेगा और वहां से स्टॉक में नीचे की साइड गिरावट आ सकती है। तो ये रेंज में अपने क्या करेंगे, बेचने का ट्राई करेंगे और अपने ये जो ऊपर का रिजेक्शन एरिया का ये वाला जो एरिया है वहां पे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉक में नीचे की साइड फिर से गिरावट आ सकती है। तो सीएमपी कितना है, 1315 है। तो आपको इस स्टॉक को कब बेचना है, सेल ऑन राइज करना है, स्टॉक को ऊपर जाने देना है, 1340 पे बेचना है। जितना हो सके उतना क्या करना है, स्टॉक को ऊपर जाने देना, उसके बाद बेचना है, 1355 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की साइड स्टॉक में 1300 और 1280 के लेवल नीचे की साइड स्टॉक में आ सकते हैं, लेकिन आपको टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा 1 से 7 दिन का। अगर आपने समझो 1340 पे बेच दिया तो अगर आपको, क्योंकि कैश में तो बेच नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लॉट साइज में बेचना पड़ेगा या तो पुट खरीदना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो वो आपको 1 से 7 दिन में नीचे की साइड स्टॉक 1280 के लेवल दिखा सकता है। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया जो आप बेच सकते हो। मैंने आपको टोटल कितने स्टॉक बताए, 4 स्टॉक बताए, उसमें 2 बाइंग्स वाले स्टॉक है, TWL को आपको क्या करना है, गिरावट पे बाय करना है, यानी कि फ्राइडे को अगर वो लेवल नहीं आता 211 का, तो मंडे को नहीं आता तो ट्यूजडे को, जब भी 211 का लेवल आता है तो आपको बाय करना है और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखना है 207 का। दूसरा स्टॉक है नेलकास, लेकिन अपने क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए वेट करेंगे, यानी कि स्टॉक 118 के ऊपर पहले जाएगा तब भी अपने बाय करने का ट्राई करेंगे, और जैसे ही कॉल एक्टिव होता है तो आप 113 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दीपक नाइट्रेट को आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है, और बजाज फिनसर्व को भी सेल ऑन राइज करना है। तो गाइस 4 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको उसमें से एग्जिट भी करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल फ्राइडे को अपना कोई वीडियो नहीं आता नॉर्मली, तो हो सके तो गाइज मैं ट्राई करूंगा कि कल लाइव आने का, देखते अभी श्योर नहीं हो क्योंकि मेरा शेड्यूल अभी फिक्स नहीं है कल का, तो मैं आपको जैसा भी हो बता दूंगा। अगर लाइव आने का रहेगा तो कल आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने फ्राइडे को क्या करेंगे, मैंने पोल किया था, उसमें क्या हुआ था, 9 बजे का सबने बोला था, तो अपने 9 बजे कल लाइव आने का ट्राई करेंगे, लेकिन श्योर नहीं हूँ। जैसा भी हो मैं आपको कल टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम और ट्विटर पे बता दूंगा, तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो टेलीग्राम, तो आपको वहां पे अपडेट मिलती रहेगी। गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।